Friends, I'm Anamika and welcome to Anna's Recipes. Friends, I am in Rajasthan in midst of these mountain trees away from Delhi and NCR's polluting weather. Right now it's so romantic, mausam is so beautiful, it's really lovely. Check out the view guys, it's so beautiful. फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल अप्पे. फ्रेंड्स अप्पे आपने देखे होंगे, एक डिश है जो कि सूजी की बनती है और ये साउथ की बहुत स्पेशल डिश है. ये अप्पे जनरली सूजी के बनाए जाते हैं. इस सूजी की जगह हम रिप्लेस करेंगे दाल को और अप्पे बनाएंगे दालों के और उसमें स्टफिंग करेंगे वेजिटेबल्स की, जो कि अपने आप में बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है. आइए देखिए इन वेजिटेबल्स अप्पे के इंग्रीडियंट्स. Hey friends, to subscribe my channel, click on the subscribe button and please do not forget to hit the bell button so that you get the notification of all the recipes. अप्पे बनाने के लिए जो मैंने मिक्सचर लिया है उसमें मैंने लिया है मूंग की छिलके वाली दाल करीब एक कटोरी, 1/4 कटोरी चावल और 1/4 कटोरी चने की दाल. इसे मैंने 3 से 4 घंटे भिगो के रखा हुआ है और भीगने के बाद मैंने इसका पानी निकाल दिया है. अब मैं इसे मिक्सी में बारीक पीस लूंगी. ये देखिए मिक्सी में मैंने दाल डाल दी है और साथ में अदरक का छोटा टुकड़ा डाला है और 2 हरी मिर्च डाली है. इसको मैंने इस तरीके से एकदम बारीक पीस लिया है. आप चाहें तो इस वक्त इसमें हींग भी मिला सकते हैं. वेजिटेबल्स में मैंने थोड़ी सी गाजर ली है, 1 छोटी शिमला मिर्च, 1 छोटा प्याज और कुछ हरी मिर्च. आप जो वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हो आप उसे डाल सकते हैं. ये सारी वेजिटेबल्स मैं इसमें डाल देती हूँ और साथ में डाल देती हूँ हरा धनिया भी. अप्पे का ये साँचा है जिसमें हम अप्पे बनाएंगे और सारी वेजिटेबल्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है. अब डाल देती हूँ इसमें नमक 1 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/6 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 पैकेट इनो. इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है और इस साँचे में हम ऑयल से इस साँचे को ब्रश कर देते हैं और ब्रश करने के बाद अब अप्पे का जो मिक्सचर है हम इस सांचे में धीरे धीरे भर देते हैं. करीब 1 स्पून जो मिक्सचर है वो इसमें आ जाएगा. ये देखिए इस मिक्सचर को हम आराम आराम से भर देते हैं. इस तरह से मैंने सारे सांचे में से भर दिया है. इसको भरने के बाद हम इसे रखेंगे सिम गैस पे करीब 6 से 7 मिनट और ऊपर से ऑयल ब्रश कर देते हैं. 6 से 7 मिनट सिम गैस पे पकाएंगे. ये नीचे से सिक जाएंगे, आपको हल्का सा साइड से छोड़ने लगेंगे, आपको लग जाएगा सिक गए हैं. उस वक्त आप इसे हल्के से टर्न कर दीजिए. ये आराम से टर्न हो जाएंगे. ये देखिए किस तरह से टर्न हो रहे हैं. ये देखिए फिर एक साइड से सिकने के बाद इसे फिर 7 से 8 मिनट दूसरी साइड पे सिम गैस पे रख दीजिए और ये एकदम बनके दोनों साइड से कुरकुरे बनके रेडी हो जाएंगे. ये देखिए कितने बढ़िया सिक रहे हैं, एकदम कुरकुरे और बहुत परफेक्ट. सिकने के बाद आप इन्हें एक बोल में निकाल दे दिए. ये देखिए मेरे अप्पे बनके रेडी हो गए हैं. दाल के अप्पे, इससे ज़्यादा हेल्दी नाश्ता क्या हो सकता है. आप इसे सर्व करिए ग्रीन चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ और देखिए ये इतना शानदार नाश्ता है कि आपको खा के भी मज़ा आ जाएगा.